Hey everyone, I is on this side and welcome you all to today's new analysis video. So today's date is 8th of February, expiry trading session Thursday, and current time is 3.36 pm. So we have markets close hua and kafi Shandar selling momentum. आज के एक्सपायरी में मार्केट्स में देखने को मिला है तो देखिए ट्रेंडिंग एक्सपायरी मुझे पर्सनली काफ़ी ज़्यादा पसंद है कि वन साइडेड अगर मोमेंटम हो तो मार्केट्स में मज़ा आ जाता है सो so, आज का मार्केट कुछ ऐसा ही रहा है ओपनिंग के साथ मार्केट में कंटिन्यूस सेलिंग देखने को मिला है आइन इसी सेलिंग में जैसे कि कल के दिन आप सभी के साथ एनालिसिस वीडियो में मेंशन में किया गया था कि अगर मार्केट्स कल का इंट्राडे लो का टेस्टिंग कर देता है तो फिर सेलिंग साइड का मोमेंटम एक्सपेक्टेड होगा जो बाइंग फ्लो ड्रॉ किया गया था तो कल के ही वीडियो में मेंशन किया गया था कि अगर इंट्रा लो टेस्ट होगा तो आज के दिन बाइंग फ्लो का ब्रेकडाउन देखने को मिलेगा तो सेम बेस पर सेलिंग साइड का ट्रेड आज के दिन एग्जीक्यूट किया गया चार्ट के थ्रू अगर ऑब्जर्व करेंगे तो ये मार्केट का ओवरऑल कंडीशन था प्रीवियस डे तक मार्केट बाइंग फ्लो को सस्टेन कर रहा था तो बाइंग फ्लो को अगर मैं यहाँ पर मार्क करूँ दिस वॉज दी बाइंग फ्लो की कंटिन्यूस मार्केट सेम डिग्री ऑफ एंगल में सपोर्ट लेता हुआ हायर हाइस को यहाँ पर क्रिएट कर रहा है सो so, कल के दिन भी मार्केट सपोर्ट लेता हुआ सस्टेन किया एंड इसके पहले देखेंगे तो मार्केट ओवरऑल बुलिश बिहेवियर ही परफॉर्म कर रहा है कि ये आपका मेजर ऑल टाइम हाई है इसके पहले इस पर्टिकुलर रैली मोमेंटम में मार्केट्स ने इन्हीं पर्टिकुलर हाईस को अगेन टेस्ट किया था एंड करेंटली स्मॉल चैनल में मार्केट यहाँ पर क्लोज हुआ था तो कल के दिन का एनालिसिस जैसे कि आप सभी के साथ शेयर किया गया कि मार्केट ये पर्टिकुलर सपोर्ट को सस्टेन करता हुआ बाइंग फ्लो को मेंटेन कर रहा है सो क्लियर कट मेंशन किया गया था कि अगर इंट्राडे लो मार्केट टेस्टिंग करता है तो ये जो बाइंग फ्लो चल रहा है कि कंटिन्यूअस मार्केट इस एंगल को मेंटेन कर रहा है इस बाइंग फ्लो का ब्रेकडाउन आज के दिन एक्सपेक्टेड होगा तो जैसे कि देख सकते हैं बाइंग फ्लो का आज के दिन इंट्रा डे लो टेस्ट हुआ तो बाइंग का भी ब्रेक आज के दिन देखने को मिल गया है तो इसी बेस पर सबसे पहले लेकिन मॉर्निंग से ही देखिए सेलिंग साइड का क्लैरिटी नहीं था इसी बेस पर सबसे पहले आज के दिन मॉर्निंग में एक बाइंग साइड का ट्रेड एग्जीक्यूट किया गया तो ये आज का चार्ट है सबसे पहला पोस्ट देख सकते हैं टेन डॉट थर्टी थ्री एम पर यहाँ पर शेयर किया गया तो रेजिस्टेंस ब्रेकआउट एक्सपेक्टेड टुडे सपोर्ट क्रिएटेड सो टेन डॉट थर्टी थ्री पर यहाँ पर जो मार्केट सपोर्ट क्रिएट किया तो सबसे पहले सपोर्ट देखेंगे तो ये हमारा सपोर्ट है मार्केट बाउंस बैक किया पहले सपोर्ट को तो फेल किया तो यहाँ पर कंफर्मेशन नहीं था अगेन सपोर्ट के बाद जब इतना स्ट्रॉन्ग देखिए रिकवरी आया बाइंग साइड का कंफर्मेशन आया तो बाइंग साइड का पोजीशन यहां पर क्रिएट किया गया बट अनफॉर्चुनेटली जैसे कि देख सकते हैं कि पहला सपोर्ट तो मार्केट ने फेल किया ही था इसके बाद जो नेक्स्ट सपोर्ट जिस पर एंट्री आज के दिन क्रिएट किया गया तो यहाँ पर इंट्राडे लो का टेस्टिंग अभी तक नहीं हुआ था एंड अगेन इतना स्ट्रांगली बाइंग अपॉर्चुनिटी है इतना स्ट्रांग बाइंग यहाँ पर क्रिएट हुआ जिसके बेस पर कंफर्मेशन था कि चलो मार्केट सपोर्ट अब यहाँ से सस्टेन कर जाएगा इट्स नॉट अ सेलिंग डे बट सपोर्ट सस्टेन नहीं हुआ रिवर्सल हुआ स्टॉप लॉस यहाँ पर हिट हुआ तो इसी के बेस पर जैसे ही अब देखिए इंट्राडे दे लो का टेस्टिंग हो गया तो इट वाज़ अ कन्फर्मेशन कि अब इंट्रा डे लो का टेस्टिंग हो गया है ये बाइंग भी सस्टेन नहीं किया है तो इट्स अ सेलिंग डे अकॉर्डिंग टू द सिनेरियो तो सेम बेस पर अगला पोस्ट आप सभी के साथ यहाँ पर शेयर किया गया तो नेक्स्ट पोस्ट देखेंगे तो 10.46 पर यहाँ पर शेयर किया गया कि इंट्रा डे लो ऑफ प्रीवियस डे टेस्टेड Therefore, as एज एक्सप्लेन इन video, सपोर्ट breakdown and एंड will विल expected. एक्सपेक्टेड तो कल के ही वीडियो में एक्सप्लेन किया गया था तो लाइव मार्केट में टेक्स्ट को भी मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया कि जिससे आप सभी को एक और बार याद आ जाए कि कल के एनालिसिस वीडियो में डिस्कस किया गया था कि इंट्राडे डे लो का टेस्टिंग हो जाए तो ब्रेकडाउन और बाइंग फ्लो का ब्रेक यहाँ पर एक्सपेक्टेड होगा तो सिमिलर बेस पर देख सकते हैं टेन पर मार्केट ने लो का टेस्टिंग किया था एंड एक सपोर्ट मार्केट में देखने को मिला था तो इसी सपोर्ट पर सेलिंग साइट का एंट्री आज के दिन क्रिएट किया गया एंड फर्दर फिर यहाँ से काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखने को मिला तो टेन डॉट फोर्टी सिक्स का एंट्री था इसके बाद नेक्स्ट पोस्ट देखेंगे तो टेन डॉट फोर्टी सिक्स से अराउंड फिफ्टीन टू ट्वेंटी मिनट्स का ये आज का ये सेलिंग साइट का ट्रेड चला है इलेवन डॉट जीरो फोर पर ही अच्छा मोमेंटम मिल गया तो टेक्स को यहाँ पर अगेन मैंशन किया गया कि गुड मोमेंटम अकॉर्डिंग टू द एक्सपेक्टेशन आ चुका है तो नेक्स्ट पोस्ट देखेंगे तो अगले पंद्रह से बीस मिनट में ही इस पर्टिकुलर कैंडल में पोस्ट को शेयर किया गया था एंट्री यहाँ बनाया गया कि ब्रेकडाउन एक्सपेक्टेड है मार्केट रेजिस्टेंस फेस किया इन दो ही कैंडल में इतना बड़ा मोमेंटम आया है और यहाँ से फिर सपोर्ट एक्टिविटी आइडेंटिफाई हुआ तो पोजिशंस को एग्जिट किया गया है तो सेम पॉइंट पर देख सकते हैं ट्वेंटी पर एग्जिट्स को प्लान किया गया तो इसी पॉइंट पर देखेंगे तो मार्केट आज के दिन सपोर्ट लेकर के बाउंस बैक हुआ है तो थोड़ा और नीचे मार्केट सेल ऑफ हुआ बट सपोर्ट एक्टिविटी होने लगा था तो पोजीशंस को एग्जिट किया गया तो काफी सिंपल इजी ट्रेड आज का मैं कहूँगा सेलिंग साइड का रहा क्योंकि इजी क्यों हो जाता है देखिए क्योंकि जब भी मैंने कल के दिन भी कहा था कि कल के दिन भी जो हमने ट्रेडिंग प्लान क्रिएट किया उसके अकॉर्डिंग अगर मार्केट परफॉर्म करता है तो कॉन्फिडेंस के साथ वहां पर काफी अच्छे से पोजीशंस को क्रिएट किया जा सकता है कि एक दिन पहले ही जो रिपीट तो जब, जब होगा आज के दिन भी देखेंगे तो काफी अच्छा मोमेंटम यहां पर देखने को मिला है सो so, ऑप्शन की अगर बात करेंगे स्ट्राइक प्राइस कौन सा लिया गया तो हमेशा जैसे मैं करता हूं कि मैं कि एट द मनी या नियरेस्ट इन द मनी स्ट्राइक लिया जाता

सो so, देख सकते हैं एंट्री के बाद भी रिट्रेसमेंट ज़्यादा कुछ मार्केट में नहीं हुआ एंड मार्केट मोमेंटम किया तो रनिंग कैंडल में पोजीशंस को एग्जिट किया गया है so, सो इस कैंडल में फिर फर्दर एग्जिट को यहाँ पर प्लान किया गया तो काफ़ी अच्छा मोमेंटम देखेंगे अराउंड से फ्रॉम फिफ्टी पॉइंट्स टू तो अराउंड टू हंड्रेड पॉइंट्स और मोर देन टू हंड्रेड पॉइंट्स का मार्केट यहाँ पर मोमेंटम किया है सो so, देखिए यही बेनिफिट होता है एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन का कि वाई आई लव ट्रेडिंग ऑन एक्सपायरी प्रीमियम देखिए काफी कम प्राइसेस पर मिलता है और अगर ट्रेंडिंग मूव आ जाता है तो काफी तेजी से प्रीमियम वहाँ पर इंक्रीज होता है तो अराउंड फिफ्टी का प्रीमियम देख सकते हैं टू हंड्रेड हो गया राइट सो दिस इज मैजिक ऑफ एक्सपायरी ट्रेडिंग सेशन सो ये था आज का पर्टिकुलर एनालिसिस अब इसके बाद देखिएगा कि आज का मार्केट बाइंग फ्लो को यहाँ पर ब्रेक कर दिया है तो बाइंग फ्लो ब्रेक होने के बाद अब कल के दिन वीक का लास्ट ट्रेडिंग सेशन है तो दैट्स ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर कोई मेजर मोमेंटम देखिए एक्सपायरी वाले दिन होता है तो जो नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन होता है तो उसमें कुछ इतना ज़्यादा आज सच मोमेंटम एक्सपेक्टेड नहीं होता है बट जैसे कि फ्राइडे है लास्ट ट्रेडिंग सेशन ऑफ द वीक है लेकिन जो पॉजिटिव पॉइंट है कि मार्केट यहाँ पर ट्रेंडिंग मोमेंटम किया है बाइंग फ्लो ब्रेक किया है ट्रेंडिंग मोमेंटम हुआ है ट्रेंडिंग वन साइड क्लोज हुआ है तो वन साइडेड मार्केट है इसलिए इट्स अ बेनिफिट फॉर द एग्जीक्यूशन ऑन द फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन टू अब यहाँ पर देखिएगा जो केसेस क्रिएट होगा कि मार्केट अभी अपने मेजर रजिस्टेंसेस पर चल रहा है और मेजर रेजिस्टेंस से अपने बाइंग फ्लो को ब्रेक किया है तो मेजर रेजिस्टेंस मतलब बुलिश है मार्केट और बाइंग फ्लो को अभी अभी ब्रेक किया है तो कंटिन्यूस सेल ऑफ आई एम नॉट एक्सपेक्टिंग इन द फ्राइडे ट्रेडिंग सेशन ये जनरल रिट्रेसमेंट ही मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ ज़्यादा कंटिन्यूस कल के दिन भी गिरेगा इसका बहुत कम प्रोबेबिलिटी है तो जो बायस होगा हमारा वो बाइंग साइड का ही लेकर के चलेंगे फॉर द नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन तो सिंपल केसेस क्रिएट होगा एंड आज के दिन भी देख सकते हैं क्लोजिंग के दौरान एक बाइंग रैली मार्केट में देखने को मिला है तो अनटिल अनलेस ये इंट्रा लो टेस्टिंग नहीं होता है तब तक सेलिंग साइड का पोजिशन नहीं बनाया जाएगा वो भी किस केस में अगर मार्केट बाइंग स्विंग बनाता है और बाइंग स्विंग के बाद अगर ये टेस्टिंग होता है तो नेगेटिव साइड हम जाएंगे अदरवाइज मेरा ओवरव्यू नेगेटिव साइड नेगेटिव साइड का कल के दिन नहीं रहेगा तो सबसे पहला केस बनेगा अगर मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग स्विंग में नीचे की तरफ गिरता है तो नीचे की तरफ कंटिन्यूस गिरेगा तो फिर सपोर्ट बनने पर डायरेक्टली बाइंग साइड का पोजीशन प्लान किया जाएगा ये सबसे पहला रूल रहेगा सबसे पहला केस है दूसरा केस है अगर बाइंग स्विंग बनाता है तो वेट करेंगे पहले सस्टेन होने का सस्टेन होगा ब्रेकआउट आएगा तो अगेन बाइंग साइड लिया जाएगा तो ये तो बाइंग साइड के दो पर्टिकुलर सिनेरियो हो गए अब एक पर्टिकुलर सेलिंग केस है कि अगर बाइंग स्विंग बनता है सेलिंग स्विंग की बात नहीं हो रही है। अगर बाइंग स्विंग बनता है चाहे गैप डाउन हो करके चाहे गैप अप हो करके अगर बाइंग स्विंग बनता है और फिर अगर वो बाइंग स्विंग रिवर्स होता है और आज का इंट्रा डे टेस्टिंग तक गिर जाता है तो फिर सेलिंग साइड का पोजिशन द फ्राइडे के दिन भी एक्सपेक्टेड होगा कि मार्केट नीचे कंटिन्यूशन कर सकता है तो एक लौता यही सिर्फ एक सिंगल केस रहेगा सेलिंग साइड का बाकी दो केसेस बाइंग साइड का ही ओवरव्यू एंड जो बायस है वो हम बाइंग साइड ही लेकर के चल रहे हैं कि ज़्यादा कॉन्फिडेंस कब होगा जब हम नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन में बाइंग स्विंग को ट्रेड करेंगे बाइंग स्विंग को कैप्चर करेंगे उस रैली का पार्ट बनेंगे सो so, ये पर्टिकुलर तीन केसेस अगेन आज के दिन आप सभी के साथ शेयर किया गया बायस को मैंने इंट्रोड्यूस किया कि बाइंग साइड का बायस है अब अकॉर्डिंग टू द एनालिसिस जैसे इन तीनों केसेस में से जो भी केस अब कल के दिन मार्केट्स में बनेगा उसको आज अ रेगुलर प्रोसेस टेलीग्राम चैनल पर शेयर किया जाता है तो कल के दिन भी लाइव मार्केट में जो भी केस बनेगा उस ओवरव्यू को वहां पर लाइव मार्केट में ही शेयर किया जाएगा तो टेलीग्राम चैनल को लाइव मार्केट लर्निंग ओवरव्यू अपडेट्स के लिए आप ज्वाइन कर सकते हैं इसका लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड करेंटली वी आर रनिंग दी ऑफर विच विल बी एक्सपायरिंग सून विद इन फ्यू डे कि अभी अगर आप कोर्सेज परचेज करते हैं तो ट्वेंटी आवर सेशन में आप सभी को वहां पर सिक्स मंथ का टेलीग्राम अभी फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा एंड फिफ्टी टू आवर सेशन में अभी जो ऑफर पीरियड है इसमें वन ईयर का टेलीग्राम एक्सेस आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगा तो इन कमिंग डेज ये ऑफ़र पीरियड इसको हटा दिया जाएगा फिर कोर्सेज के साथ टेलीग्राम विल बी नॉट इंक्लूसिव तो अभी ऑफर का यहाँ पर बेनिफिट ले सकते हैं सारी चीजों का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है एंड जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करें जिससे आने वाली वीडियोस का अपडेट आपको मिलता रहे तो सी ऑल इन द नेक्स्ट वीडियो टिल दैट बाई टू ऑल एंड सेया